लास्ट एपिसोड में हमने मीडिया क्वेरीज के थ्रू हाइट एस्पेक्ट रेशियो और ओरिएंटेशन की बात की टारगेट करने की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रीन की डिफरेंट रेजोल्यूशंस को कैसे हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू टारगेट करके अपने स्टाइल रूल्स अप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और ये स्टाइलिंग हम एक्चुअल इन प्रैक्टिस देखते हैं, हैंड्स ऑन करके देखते हैं। स्टूडियो कोड में चलेंगे और देखेंगे कि हम कैसे ये रेजोल्यूशन बेस्ड मीडिया क्वेरीज रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट जो हम सभी एपिसोड में यूज कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम ये डॉक्यूमेंट को स्क्रीन रेजोल्यूशन के बेस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में चलें और वहां पे तो हमारे लायक कुछ नहीं है क्योंकि एचटीएमएल तो हमारा सेम ही रहा और मेन जो चीज़ हमारी इंटरेस्ट की है वो स्टाइल शीट, जिसके अंदर हम ये रेजोल्यूशन बेस्ड हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रेजोल्यूशन में मेरा जो रूल्स हैं वो कैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन, मिन रेजोल्यूशन और मैक्स रेजोल्यूशन की बात होती है। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजोल्यूशन, मिन रेजोल्यूशन और मैक्स रेजोल्यूशन की बात होती है। तो जब मैं रेजोल्यूशन की बात करता हूँ तो मैं पर्टिकुलर स्क्रीन रेजोल्यूशन को टारगेट करता हूँ और मेरे डिवाइस की बिल्कुल मैचिंग स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी तभी ये मीडिया क्वेरी वहाँ पे अप्लाई होगी। तो इन केस मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी बना रखी है जिसमें मैं रेजोल्यूशन 96 dpi ले रखी है क्योंकि मेरे स्क्रीन की रेजोल्यूशन 96 dpi है। इस मीडिया क्वेरी में मैंने एक आर्टिकल को टारगेट करते हुए स्टाइल रूल्स लिखे हैं जिसमें कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर मीन्स की जो टेक्स्ट कलर है वो भी मैंने ब्लैक दे दिया है यहाँ पे। अब मैं जब इसको रन करूंगा, इन केस इस मीडिया क्वेरी को अप्लाई करके मैं रन करूंगा तो मैं देखूंगा कि इसके अप्लाई होने से मेरा जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है जिसके लुक्स अभी तक ऐसे थे, वाइट बैकग्राउंड था, इसके लुक्स चेंज हो जाएंगे और ये मुझे ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएगा जो स्क्रीन पे अभी इस वक्त है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसमें आर्टिकल, हमने आर्टिकल को टारगेट करके स्टाइल रूल लिखा था तो आर्टिकल हमारा जो है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है। अब सेकंड जो मीडिया क्वेरी जो रेजोल्यूशन को टारगेट करने के लिए हम बना सकते हैं वो होती है हमारी मिन स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो मिन स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली मीडिया क्वेरी उस केस में अप्लाई होती है जबकि मेरे स्क्रीन की रेजोल्यूशन इस पर्टिकुलर वैल्यू से अप हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने मीडिया मिन रेजोल्यूशन 90 dpi दे रखा है और मैंने हेडर वन एलिमेंट को यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया। तो ऑब्वियसली ये वाली मीडिया क्वेरी मेरे स्क्रीन पे एप्लीकेबल है क्योंकि मेरे स्क्रीन की जो विड्थ है, मेरे स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो 90 dpi से ऊपर है। तो ये वाली मीडिया क्वेरी मेरे स्क्रीन पे एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो आप डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करेंगे। अब मैं आपको इन एक्शन दिखाना चाहता हूं तो मैं अपने स्क्रीन को बार बार मीडिया क्वेरीज के साथ टारगेट कर रहा हूं। सो मिन रेजोल्यूशन 90 dpi h1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी तक जो हेडिंग वन आपका ऑल स्पोर्ट्स स्टोर जो है लेफ्ट साइड पे था वो आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा इस मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो लास्ट वाला जो टारगेट करने का टेक्निक है जिसमें कि मैक्स रेजोल्यूशन की बात हम करते हैं। सो मैक्स रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये मीडिया क्वेरी तब एप्लीकेबल होती है अगर मैक्स रेजोल्यूशन में दी गई वैल्यू से हमारी जो रेजोल्यूशन है वो कम हो। सो हमारी जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन की, जो मेरे केस में 96 dpi है और यहाँ मैक्स रेजोल्यूशन मैंने 200 dpi दी है, तो ऑब्वियसली मेरा स्क्रीन इस मीडिया क्वेरी के लिए ओके है, वो इस मीडिया क्वेरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी जहाँ पे मैं दो स्टाइल रूल यहाँ पे बना रहा हूँ, एक बॉडी के लिए एक और हेडर वन एलिमेंट के लिए। सो बॉडी के स्टाइल रूल में मैंने बैकग्राउंड एक इमेज दे दी और हेडर वन के स्टाइल रूल में मैंने कलर यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रे का ही एक टोन अप्लाई कर दिया। और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज का जो URL है वो मैंने यहाँ पे http://placeimage.com/1400x800/tech। सो placeimage.com एक साइट है जो हमें फ्री इमेज प्लेस होल्डर्स देती है। तो आप अपने वेब पेज डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में इसकी हेल्प लेके इमेजेस यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। सो जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन की जो इमेज की जो रेजोल्यूशन, इमेज की जो डायमेंशन देना चाहता हूँ वो मैं 1400x800 की फॉर्म में यहाँ पे देता हूँ। इनकेस मैं रेजोल्यूशन इसकी बढ़ाना चाहता हूँ दैट कैन बी इंक्रीज, आई कैन से 1900x1080 और 1920, सो आई कैन चेंज, यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ।
सो मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ग्रुप से यहाँ पे इमेज उठाया, यहाँ पे डिफरेंट अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, नेचर भी है और भी ग्रुप्स हैं, तो आप चेंज करके चॉइस कर सकते हैं। सो जब मैं इन चेंजेस के बाद रिफ्रेश करूँगा अपने वेब पेज को तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे एक इमेज भी अप्लाइड है बैकग्राउंड, और जो ऑल स्पोर्ट्स स्टोर मेरा हेडिंग है वो एक ग्रे टोन में यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और ये रैंडम इमेज होती है, ये इमेज आपकी जो जब भी आप रिफ्रेश करते हैं पेज को दिस कैन चेंज। तो अब आप देखेंगे कि वेब पेज को एक बहुत ही अच्छी लुक्स यहाँ पे मिल रही हैं, जो आपने स्क्रीन के रेजोल्यूशन के बेस पे मीडिया क्वेरी अप्लाई करके दी हैं। इन केस आपके वेब पेज की रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा है, आपके डिवाइस की रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा है, तो आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं, और आप बैकग्राउंड कलर्स और फॉन्ट कलर्स और आर्टिकल का बैकग्राउंड कलर फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन को टारगेट करने वाला मीडिया क्वेरी, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आप इसको अप्लाई करके अपने वेब पेज में ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं स्पेसिफिक डिवाइसेस को टारगेट करने की मीडिया पेज के लिए।